राजस्थान में बढ़ती गर्मी को देखते हुए समाज सेवियों द्वारा चारों तरफ लोगों को पानी पिलाने की व्यवस्थाएं की जा रही है। उसी के दूसरी तरफ उदयपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में आने वाले मरीज के परिजनों को पानी की समस्याओं से परेशान होना पड़ रहा है। संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल हॉस्पिटल चिकित्सालय में रोजाना हजारों की संख्या में मरीज सहित परिजन हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां तेज गर्मी के चलते पानी लेने प्याऊ पर पहुंचते हैं तो निराशा हाथ लगती है। महाराणा भोपाल चिकित्सालय के जिम्मेदार भी अपनी जिम्मेदारी भूल बैठे हैं, जिस वजह से मरीज के परिजन पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, जिन्हें मजबूरन हॉस्पिटल परिसर से बाहर जाकर प्यास बुझानी पड़ रही है। आखिर इस तेज गर्मी के चलते सब जगह लोगों द्वारा पानी के प्याऊ लगाकर समाज सेवा का कार्य कर पुण्य का कार्य किया जा रहा है, वहीं अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नजरअंदाज कर बैठे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आखिर हॉस्पिटल के जिम्मेदार लोग कब अपनी जिम्मेदारी समझकर हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों के लिए, परिजनों के लिए पानी की परेशानी से निजात दिला पाएंगे। उदयपुर से शंकर सरगरा की रिपोर्ट। कहाँ पे नहीं है? सर 4 से 5 दिन हो गए पानी नहीं है सर, इसमें लोग इतने परेशान हो रहे हैं। मैंने कल भी वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और अभी वापस मैंने आके चेक किया तो अभी भी कंडीशन हुई है, पानी नहीं है। नहीं पर प्रशासन कुछ तो ध्यान दे ना सर, क्योंकि इतनी देर गर्मी पड़ रही है, आप बाहर देखें एक बार। तो आज हम फिर ऑफिस आए हैं, जो कल जो हमने वीडियो बनाया था, और आज मैं ऑफिस में जाके स्टाफ को लेकर आया हूँ, मैं सर को, बड़े सर से मैंने शिकायत करी है, तो इस आधार पे स्टाफ से खुद आके खुद चेक कर रहे हैं कि सर नहीं आ रहा ना पानी। ये बताइए इधर आउटडोर में पानी नहीं आ रहा क्या? हाँ, ये आउटडोर से जो बाहर प्याऊ प्याऊ लग रही है, इसमें पानी नहीं आ रहा तो किधर सप्लाई बंद है क्या? इसका जो क्या सप्लाई अलग से है या अपने आउटडोर के अंदर से? टंकी अलग लग रही है, सप्लाई अपने वहीं से है ना? टंकी भर रही है क्या, आपको ध्यान है? सर इनके जो है ना, जिन्होंने लगाया नेता जी, हाँ जी हाँ जी, उनको इन्फॉर्मेशन हो गई है, इंजीनियर देख के गए, इनके कुछ फिल्टर में प्रॉब्लम आ गई। अच्छा अच्छा सर, अच्छा वापस तो अभी नेता जी से संपर्क कर रहे हैं तो कहाँ तक पहुँचा है? तो सर ये 5-7 दिन से बंद है सर, आप ही के स्टाफ ने मेरे को सब सूचना दी थी सर, और वो यहीं नौकरी करते हैं, उनका मैंने वीडियो भी बना रखा है, तो उन्होंने बोला कि मेरे को यहाँ पे 5-10 दिन हो गए भैया। जो जो इनके ओपीडी इंचार्ज, उनसे मेरी बात हुई अभी, उन्होंने जो इनके लगा उनसे संपर्क कर लिया, उन्होंने इंजीनियर भी भेजा था। अच्छा, फिल्टर में कुछ प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, तो कब तक हो जाएगा सर? ये मेहता जी से वो बात कर रहे हैं, मेहता जी बता पाएंगे जिन्होंने लगाया है, मतलब आज तो हो जाएगा ना ये? अच्छा, संडे भी है। कल किसी भी बात हो गई है? क्या हुआ अंकल, क्या दिक्कत? क्या कह रहे हैं? पानी नहीं है, पानी पानी नहीं आ रहा इसमें। हाँ, सब बंद पड़ गया तो क्या खराब हो गया? ये कल मैंने एक वीडियो बनाया था, ये ट्रस्ट के द्वारा लगाया गया है, यहाँ पे एक फ्रिज लगा हुआ है, मगर इसमें कल भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया, इसमें पानी नहीं है और गर्मी में इतने परेशान हो रहे हैं लोग। ये रेडियोलॉजी के जस्ट सामने बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पानी नहीं है, पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और अभी तक प्रशासन ने कोई जवाब दिया नहीं है, तो ये सब परेशान हो रहे हैं, पेशेंट के साथ में आए हुए हैं। और क्या हुआ आंटी, इसमें पानी है कि नहीं है? नहीं आ रहा है, ये मैंने कल भी वीडियो बनाया था। अंकल पानी नहीं आ रहा इसमें? पानी नहीं आ रहा इसमें, अभी तक पानी नहीं आया है, प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं करी है, कोई ध्यान नहीं दिया है, आप ये देख सक रहे हैं।
ये उदयपुर में ये जितनी पब्लिक जा रही है आप देख रहे होंगे, पानी नहीं आ रहा, इसमें बड़ी परेशानी हो रही है। तो प्रशासन इस पर ध्यान दें और पानी की जल्द से जल्द व्यवस्था कराएं। अरे तो पानी को हॉस्टल में व्यवस्था। अंकल आप क्या कहना चाहोगे? अरे पानी की व्यवस्था कोई नहीं है, बोर्ड लगा रखी है, केवल सूखा पड़ा हुआ है। नाम करने के लिए, दिखाने के लिए लगा रखी है, केवल दिखाने के लिए बोर्ड लगा रखी है। अच्छा, लोग परेशान हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, दो बार मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, अभी तक इसमें पानी की व्यवस्था हुई नहीं है। लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे इतनी धूप पड़ रही है, एक बजे दो बजे का टाइम है। आज फिर देखें आप कितनी पब्लिक ये सारी पानी के लिए खड़ी हुई है, मगर पानी की व्यवस्था पूरी हो नहीं पा रही है। तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था कराई जाए यहाँ पे। ये इसकी जो लोकेशन है रेडियोलॉजी विभाग के जस्ट सामने, ये श्रीमती बसंत भाई की स्मृति में बसंत जल पर पानी नहीं है चार दिन से। भैया कितने दिन से पानी नहीं यहाँ पे? भैया पाँच दिन से रेगुलर, मैंने अब तो आ गया होगा, टंकी में पानी खत्म हो गया होगा, आ गया होगा। हाँ। यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पानी पीने की वजह हमारा इतना दूर जाना पड़ता पानी पीने, उधर अब उधर उधर भी शायद एक कूलर बंद था कल हम गए थे तो। अच्छा अच्छा, अभी आया यहाँ पे तो ये कूलर 10-15 एक महीने से बंद है मतलब। अच्छा गुड़िया आप क्या लेना है? पाँच से पंद्रह दिन तक, 15 दिन से मैंने खुद देखा है, 15 दिन से मैं खुद देख रहा हूँ। यहाँ पे मेरा कुछ काम है तो मैं भी स्टाफ के अंदर हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, 15 दिन से मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी रखता हूँ, तो मैं आता हूँ तो पानी यहीं पीता है, सब यहीं पीते हैं। और डॉक्टर लोग से भी रेजिडेंट, हमारे रेजिडेंट स्टाफ यहाँ पानी पीते हैं, वो भी पानी नहीं पा रहे। अच्छा अच्छा, रेजिडेंट के जितने नर्सेज अंदर है उन सबके पास केन है, वो सारे यहाँ से पानी भर के ले जाती है बोतलें, पर उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई अंदर, उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई इस बारे में, कोई आवाज़ नहीं उठाई। मैंने वीडियो कॉल फेसबुक पे अपलोड भी किया था पर किसी ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। अच्छा अच्छा, और ना कोई सुन रहा है। मैंने ना सोचा आज तो चल गया होगा पर आज भी नहीं चला, 3 दिन से फेसबुक पे डाल रहा हूँ नहीं कुछ हो रहा है, और आज भी मैं आया तो मैंने आज तो चला होगा पर आज भी नहीं चला।